नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। हम हर रोज रोजगार से जुड़े टॉप 5 समाचार को भी लेकर आते हैं। इसके लिए आप बस हमारे यूट्यूब चैनल UVPVT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। होली को लेकर ट्रेनों में आने जाने वालों की संख्या बढ़ी। किसी भी त्यौहार में घर आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसी क्रम में हाल ही में होली में भी ट्रेनों में आने जाने वाले लोगों की संख्या में इजाफा देखा गया है। इतना ही नहीं, घर आने जाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि होली के 10 दिनों बाद तक ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे विभाग ने स्पेशल ट्रेन चलाने का भी ऐलान किया, मगर फिर भी आने जाने वालों की संख्या बढ़ने से वेटिंग लिस्ट में आने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। JPSC सिविल सर्विसेज ने निकाली रिक्तियां। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने डिप्यूटी कलेक्टर, असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर समेत अन्य पदों को मिलाकर 267 पदों पर आवेदनों की मांग की है। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास स्नातक की डिग्री या इसके समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 मार्च तक jpsc.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जाकर ले सकते हैं। बिहार विधान परिषद में उठा मैथिली भाषा का मुद्दा। बिहार विधानसभा में विपक्षी दल आए दिन किसी न किसी मुद्दे को उठाकर सरकार पर तंज कसने का सिलसिला जारी रखते हैं। इसी क्रम में विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में मैथिली भाषा को लेकर सरकार का विरोध किया गया है, जिसके तहत कांग्रेस, राजद समेत अन्य विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल पूछा है। इतना ही नहीं, विपक्षी दलों ने तो स्कूली शिक्षा में मैथिली को शामिल किए जाने की भी मांग की है। सफलतापूर्वक संपन्न हुआ अहमदाबाद में बिहार महोत्सव। गुजरात के अहमदाबाद में 3 दिनों के लिए आयोजित बिहार महोत्सव 2020 का रंगारंग कार्यक्रम के साथ सफलतापूर्वक समापन हो गया है। 3 दिनों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने अपनी अपनी प्रतिभा को दर्शाया है। इतना ही नहीं, बिहार के मंत्री प्रमोद कुमार ने बिहार की कला संस्कृति को एक बड़ा मंच प्रदान करने के लिए खेलकूद, युवा एवं सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग, गुजरात और स्थानीय लोगों का आभार भी जताया है। मगध विश्वविद्यालय के 59वें स्थापना दिवस में शामिल हुए राज्यपाल फागु चौहान। मगध विश्वविद्यालय बोधगया के 58 साल पूरे होने के शुभ उपलक्ष्य पर आयोजित स्थापना दिवस में हिस्सा लेने राज्यपाल फागु चौहान बोधगया पहुंचे थे। जहां पहुंचते ही उनका स्वागत कृषि मंत्री प्रेम कुमार और जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने किया, जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पहुंचे राज्यपाल ने भूमि पूजन किया, साथ ही साथ परिसर के अंदर पीपल का पेड़ भी लगाया। 12 लाख मछली पालकों के परिवार का बीमा करवाएगी अब सरकार। बिहार के सभी मछली पालकों के लिए खुशखबरी। बिहार सरकार जल्द ही सभी मछली पालकों के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रही है, जिसके तहत बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बिहार विधानसभा सत्र के दौरान ऐलान करते हुए यह कहा है कि बिहार के 12 लाख मछली पालकों के लिए सरकार जल्द ही बीमा योजना लागू कर देगी। इतना ही नहीं, सरकार अब जल्द ही सभी मछली पालकों के लिए जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत राज्य के तालाबों का जीर्णोद्धार भी करवाएगी। पटना की ही तरह हाजीपुर में भी सुपर 30 संस्थान की होगी शुरुआत। आज देश से लेकर विदेश तक अपनी पहचान बना चुका सुपर 30 संस्थान आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, ना ही इसके संस्थापक को आज किसी परिचय की जरूरत है। आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को पढ़ाने का जिम्मा उठा चुके आनंद कुमार ने हाल ही में एक स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए सुपर 30 संस्थान का विस्तार करने का ऐलान किया है, जिसके तहत उन्होंने पटना की ही तरह हाजीपुर में भी संस्थान के शुरू होने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केसीसी वितरण को लेकर कही बड़ी बात। बिहार विधानसभा में जारी बजट सत्र के सोमवार सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार का पक्ष रखते हुए कई बातों का ऐलान किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड के वितरण में सरकार को काफी सफलता मिली है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केसीसी के दायरे में कृषि के अलावा डेयरी, मुर्गी पालन और मत्स्य पालन को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही केसीसी से वंचित किसानों को भी लाभ दिया जा रहा है। जेपी सेतु पुल पर बालुओं की बिक्री बंद होने से बालू और गिट्टी के दाम में हुई बढ़ोतरी। गांधी सेतु, राजेंद्र सेतु और कोइलवर पुल पर पहले ही भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। अब जेपी सेतु पुल पर भी वाहनों के परिचालन पर लगी रोक ने बालू विक्रेताओं की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब बालुओं और गिट्टी की कीमत में भी बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके तहत बालू की कीमत में 42% वहीं गिट्टी की कीमत में 29% इजाफा हुआ है। गया के चौवार गांव स्थित शिव मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। टकुम्पा प्रखंड का चौवार गांव, जो कि गया शहर के 35 किलोमीटर दूर है, वहां एक बहुत प्राचीन शिव मंदिर है जहां हजारों श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि जल कहां जाता है आज तक किसी को पता नहीं चला है। इसी गांव में एक घड़ा सड़क निर्माण के दौरान कुछ सालों पहले निकला था, जिसमें हजारों शुद्ध चांदी के सिक्के निकले थे। आज भी इस गांव की जमीन से निकली अष्टधातु की अनेकों मूर्तियां शिव मंदिर में देखने को मिलती हैं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। बीते रविवार को जदयू द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन पर प्रशांत किशोर ने अब तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए इस साल 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है, मगर ये नहीं बताया कि उनके इतने दिन के राज में बिहार आज भी पिछड़े राज्यों की गिनती में क्यों शामिल है। हृदय योजना से बदला रामसागर सरोवर की तस्वीर। प्राचीन धार्मिक धरोहर के सुंदरीकरण को लेकर केंद्र सरकार दिन रात पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटी हुई है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने रामसागर सरोवर का सुंदरीकरण हृदय योजना के तहत किया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर 67 लाख रुपए की राशि खर्च की है। इतना ही नहीं, सुंदरीकरण के तहत सरोवर में 8 लाइट भी लगवाई गई है, जिसकी मदद से अब शाम होते होते सरोवर लाइट से जगमगा जाती है। विक्रमशिला एक्सप्रेस का जल्द ही मनाया जाएगा जन्मदिन। विक्रमशिला एक्सप्रेस का जन्मदिन मनाने के लिए बिहार की जनता अति उत्साहित है, जिसके तहत सबको 7 मार्च का बेसब्री से इंतजार है। 7 मार्च को विक्रमशिला 43 वर्ष पूरा कर लेगा। रेलवे ने भी इसे सेलिब्रेट करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, विक्रमशिला एक्सप्रेस का परिचालन साल 1977 में शुरू हुआ था। तब से आज तक 42 साल से यात्रियों को अपने कोच में बिठाकर चल रही है। भागलपुर से देश की राजधानी को जोड़ने वाली इस ट्रेन का इतिहास काफी पुराना है। विधानसभा में एक बार फिर उठा नियोजित शिक्षकों का मुद्दा। बिहार में नियोजित शिक्षकों का मुद्दा सभी विपक्षी दल जोर शोर से उठा रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से सोमवार को भी सदन में यह मुद्दा जोर शोर से उठा, जिसके तहत जदयू मंत्री श्याम रजक ने कहा कि शिक्षकों को यह समझना होगा कि सरकार नियमों के आधार पर चलती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और सरकार से भी जो बनता आया है सरकार करती आई है और आगे भी करती रहेगी, लेकिन वर्तमान में शिक्षकों को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। बिहार में 90 से कम सीट पर चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी कांग्रेस। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी अपना चुनावी शंखनाद करते हुए महागठबंधन दल से 90 सीटों की मांग कर दी है। हालांकि बिहार के महागठबंधन दल ने अभी सीट बंटवारे को लेकर कोई साफ टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी तरफ से सीटों को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है, क्योंकि कांग्रेस का यह मानना है कि बिहार में झारखंड की तर्ज पर ही चुनावी तैयारियां होनी चाहिए। सिवान में कोरोना के 5 लोगों में होने की आशंका। चीन में फैले कोरोना का असर अब दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इसी बीच सिवान में चीन और ईरान से लौटे 5 लोगों में भी कोरोना के लक्षण के होने का मामला सामने आया है। खबरों की माने तो सिवान के अलग अलग इलाके से ये 5 लोग बाहर कमाने गए थे, जहां ये 5 वापस भारत लौटे तो स्वास्थ्य विभाग को इनमें कोरोना के लक्षण होने की संभावनाएं जताई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अपना काम करने में जुटी हुई है। राजद ने मोती झील और चीनी मिल को बनाया अपना चुनावी मुद्दा। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजद सरकार ने अहम ऐलान किया है, जिसके तहत इस साल के चुनावी मैनिफेस्टो में मोती झील और चीनी मिल के मुद्दे को शामिल करने का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बंद चीनी मिल खुलवाने तथा मोती झील को A1 पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन के बाद विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसने का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राजद नेता जगदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री के 200 सीट जीतने के दावे पर तंज कसते हुए यह कहा है कि कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री जी लोगों की संख्या नहीं जुटा पाए और चुनाव में 200 सीट जीतेंगे। कृष्णा बाबू के समय से अब तक किसी भी मुख्यमंत्री की इतनी फ्लॉप जनसभा कभी नहीं हुई है। जदयू के बाद अब बिहार में भाजपा करेगी कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा। हाल ही में पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद अब भाजपा भी जल्द ही पटना में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करवाने जा रही है। भाजपा नेता और वर्तमान में बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि उनकी पार्टी भी बिहार में कार्यकर्ताओं के साथ जनसभा का आयोजन करेगी, जो कि हमेशा की ही तरह ऐतिहासिक होगी। इसके साथ ही प्रेम कुमार ने विपक्ष के उस दावे को भी खारिज किया है, जिसमें विपक्ष बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनसभा को फ्लॉप बता रही है। मुंगेर में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार को स्मार्ट बनाने की बात पर दिया जोर। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की यात्रा पर निकले लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए अहम ऐलान किए हैं। अपनी यात्रा के दौरान मुंगेर पहुंचे चिराग पासवान ने बिहार को स्मार्ट बनाने की बात की है, साथ ही चुनाव में जीत मिलने के साथ ही पूरे बिहार की कायाकल्प बदलने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार और बिहार के लोगों को फर्स्ट बनाना ही पार्टी का अहम लक्ष्य है, इसके लिए वो खुद और पूरी पार्टी साथ आकर काम भी कर रहे हैं। अब चलिए बढ़ते मौसम की खबरों की ओर।
ठंड से अब धीरे धीरे सही मगर लोगों को राहत मिल रही है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, छपरा, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में धूप निकलने के कारण ठंड से राहत मिलेगी। वहीं कुछ जगहों पर बादल छाने की भी संभावनाएं हैं। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, शिवहर में दिन भर धूप निकलने की संभावनाएं हैं। वहीं हवा के चलने की वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 2 मार्च को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 40,620 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 41,620 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,500 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 76.21 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 78.74 रुपए प्रति लीटर था। पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय कप्तान पर कसा तंज। न्यूजीलैंड दौरे के दौरान कप्तान विराट कोहली के परफॉर्मेंस पर भारतीय टीम की आलोचना भी हर जगह देखने को मिल रही है। इसमें पाकिस्तानी फैंस सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे पारी में भी विराट के खराब परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ने कोहली को कमजोर टीम के खिलाफ ही रन बनाने वाला खिलाड़ी बता दिया है। सिर्फ उन्होंने ही नहीं, कोहली की रणनीति पर भारतीय टीम के कई दिग्गज खिलाड़ियों ने भी सवाल उठाए हैं। दलजीत दोसांझ ने इवांका की फोटोशॉप तस्वीर को किया शेयर। कुछ ही दिनों पूर्व भारत दौरे पर परिवार संग आई इवांका ट्रंप भले ही अपने देश वापस लौट गई हो मगर भारत में उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है, जिसका प्रमाण हाल ही में पंजाबी सिंगर और अभिनेता दलजीत दोसांझ ने दिया है। इवांका की ताजमहल वाली तस्वीर को उन्होंने अपने साथ फोटोशॉप की गई तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसको रीट्वीट करते हुए इवांका ने दलजीत को ताजमहल घुमाने के लिए शुक्रिया भी कहा है। अब फ्लाइट में भी आप आसानी से कर सकेंगे इंटरनेट का इस्तेमाल। सभी आम नागरिकों के लिए अहम सूचना। अगर आपको भी फ्लाइट के लंबे सफर में इंटरनेट की कमी खलती है तो अब जल्द ही विमान कंपनियां आपके इस समस्या का निदान देने जा रही है, जिसके तहत नगर विमानन मंत्रालय यानी कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इन फ्लाइट इंटरनेट एक्सेस के लिए मंजूरी मिलते ही यह सेवाएं आम नागरिकों के लिए शुरू करवाने का ऐलान कर दिया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनमें है संजीत कुमार, अमरेश चौधरी, विकी कुमार, सप्रीत सिंह, पिंटू कुमार शर्मा, अजीत कुमार, मनीष, सैयद हुसैन, दरोगा कुमार, विकास कुमार, विपिन चौधरी, अनिश कुमार सिंह, सोनू कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। परिवहन विभाग द्वारा जेपी सेतु पुल पर ट्रकों के परिचालन को बंद करने का आदेश कितना सही है कितना नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।